ठाक है, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इसमें वेदर ऐसा है कि हम लोग डेली शावर लें, डेली नहाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसलिए मैंने भी नहा लिया है और बहुत गर्मी है। दुआ करें कि लाहौर का मौसम जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, थोड़ी बारिश हो, हवाएं चलें यहाँ पे भी। बस मेरी तो यही दुआ है। गाइस, मेरे बाल जो थे ना पहले बहुत ज़्यादा लंबे थे, बहुत हैवी थे, बट अब जो मेरे बालों की जो हालत है वो बहुत नाजुक हो चुकी है, यूँ समझ लें बिल्कुल ही। बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बात कहनी थी आप सबको कि जी जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जल्दी से मुझे फॉलो कर लें, और इंस्टा आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लास्ट यहाँ पे हमारा ऑरेंज है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं प्याज भी, और हमारे प्याज भी जो है वो
हल्के हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑयल बिल्कुल, मतलब कि प्याज है वो बिल्कुल फ्राई है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी हमने लेने हैं इसके 3 बड़े गिलास हमने पानी के इसमें डालने हैं। जितने आपके चावल है आपने उस हिसाब से डालना है, जितने मेरे हैं मैंने उस हिसाब से डाला है। और इसमें मैंने 2 स्पून और ऊपर 1/2 स्पून मैंने नमक डाला है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो चुका है, क्योंकि पानी बॉईल होना ज़रूरी होता है तड़का राइस के लिए। इसमें अब हम ऐड करेंगे राइस, राइस को हिला लेंगे अच्छे से पानी में। उसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की फ्लेम में रख देंगे। तो देखते हैं हुआ है या नहीं। ओ, अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, अभी इसमें 5 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा। देखिए हमको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पानी है अभी। चले 5 मिनट बाद मिलते हैं। सो देखते हैं। ओह वाओ, रेडी हो गए हमारे तड़का राइस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सो यम्मी, बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे ही मेरी तरह। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं आलू चिकन बनाने के लिए। सबसे पहले हमने एक प्रेशर लिया, उसमें चिकन ऐड किया। चिकन ऐड करने के बाद हमने उसमें आलू डाल दिए। आलू को देख लें मैंने किस शेप में काटा है, आपने भी सेम वैसे ही इसको शेप में काटना है। ओह, ये ख़राब आलू निकला है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको दिखा दीजिए, लेकिन मैं इसको कट कर दिया था। और इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल। आप सोच रहे होंगे कि ऑयल की रंगत ऐसे क्यों है, तो इसमें मैंने पहले चिकन फ्राई किया था तो ये उसका ऑयल था। अब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, अब 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 2 स्पून प्याज ले लेंगे हम, उसको एक बड़े कट में काट लेंगे। इसको हम इनका हम मसाला बनाएंगे, ग्रेवी मसाला। बड़े बड़े प्याज आप चाहे काट सकते हैं, ना चाहे काटें बड़ी, क्योंकि उसने ग्रैंड होके बिल्कुल एक मसाला बन जाना है। 6 टमाटर मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, बिल्कुल 1/2 कप के बराबर। तो जी ये हमारा बिल्कुल ग्रैंड हो चुका है, बहुत अच्छी ग्रेवी आई है आपके सामने है। देखें प्याज और टमाटरों की ग्रेवी। इसमें मैंने हल्दी भी ऐड की है, आपने भी कट डालनी है। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ इसमें चीज़ें ऐड कर ली हैं जो जो हमें चाहिए थी आलू चिकन के लिए। प्रेशर को मैंने बंद कर दिया है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए लगाएंगे। प्रेशर में बहुत जल्दी चीज़ें पक जाती हैं।